कड़ा शीतला धाम में नवरात्रि की तैयारियां शुरू। स्ट्रीट लाइट की रोशनी से जगमगाएगा धाम क्षेत्र, सीसीटीवी से होगी निगरानी। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। नवरात्रि के मद्देनजर कड़ा शीतला धाम में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरे धाम क्षेत्र में जगह जगह पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिससे कि धाम क्षेत्र में अगर कोई बच्चा भीड़ में गुम हो जाता है या किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो धाम क्षेत्र में सभी को अवगत कराया जा सके। साथ ही साथ क्षेत्र में लगी हुई सभी स्ट्रीट लाइटों को पंडा समाज के अध्यक्ष टिंकू पंडा एवं नगर पंचायत दारानगर कड़ा धाम के कर्मचारियों की मदद से दुरुस्त करवा दिया गया है। धाम प्रांगण में अक्सर लोगों के पर्स व जेवरात चोरी होने की खबरें सुनने को मिलती हैं, जिस पर अंकुश लगाने और खुलासा करने के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। जय माता दी। नवरात्रि को लेकर हम लोगों ने अपनी समस्त तैयारी पूरी कर ली है। हम लोगों ने पानी के, जैसे यात्री दूर दराज से आते हैं उनके पानी की व्यवस्था के लिए 5 जो है टैंक लगवा दिए हैं, जो स्टैंड के अगल बगल है और गंगा घाट पे है, बाईपास मार्ग पे है। और उसके अलावा हम लोगों ने प्रकाश की व्यवस्था के लिए अपने मंदिर प्रांगण से जंगलेटर की एक व्यवस्था की है, जिससे लाइट ना होने पे भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो ना हो पाए या और कहीं अंधेरा ना रह जाए, इसलिए हम लोग लाइट की व्यवस्था भी की है जी। धाम क्षेत्र में अक्सर सुनने को मिल जाता है कि यहाँ पे लोगों के पर्स गुम हो गए, चैन स्नैचिंग हो गई, ऐसे इसके लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई? ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम लोग लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है पंपलेट भी कई जगह पे लगवा चुके हैं कि मंदिर में चढ़ने से पहले आप लोग अपनी सामान की सुरक्षा कीजिए। और हम लोगों ने उसके अतिरिक्त जगह जगह पे सीसी कैमरा लगवा दिए हैं, जिससे किसी प्रकार की इस तरह की घटना से बचा जा सके जी। आपका नाम? आत्म प्रकाश पांडे उर्फ टिंकू पंडा, मंदिर प्रबंधन समिति कड़ाधाम कौसाम्बी। लाइव के लिए संवाददाता पवन साहू की रिपोर्ट।